अब हम बात करने वाले हैं किडनी की। तो किडनी अपने आप में एक ऐसा ऑर्गन है, देखिए देखने में लगता है ये एकदम कैसा बीन शेप। बीन का मतलब क्या होता है? पर हम बीन की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीन का मतलब होता है राजमा। देखने में राजमे के जैसा है, राजमा किडनी के लिए अच्छा भी माना जाता है। चलिए अब किडनी के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। रिमूव टॉक्सिन्स, ये जो टॉक्सिन्स हैं इनको रिमूव करने का काम ये ही करता है। ब्लड से बाहर निकालना किसका काम है? किडनी का काम है टॉक्सिन। और फिर बॉडी का जो पीएच है, जो साल्ट है, उनका लेवल मेंटेन करता है कौन? किडनी उनका लेवल मेंटेन करती है। केमिकल्स इन द ब्लड सच एज सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, और कैल्शियम है, और पीएच, खून का जो पीएच होता है 7.4 स्लाइटली एल्काइन होता है, उसको बैलेंस करने का काम करती है। फिर रिलीज हार्मोन की बात करें तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स ये बनाती है किडनी जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जिसे कहते हैं रेनिन। रेनिन नाम का एक हार्मोन बनानी है बनाती है। और एक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि ऐसा हार्मोन भी बनाती है किडनी जिससे ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। तो देखिए किडनी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि किडनी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करती है, कि कितना आपकी बॉडी में ब्लड होना चाहिए ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है आपकी किडनी। क्लियर है जी? तो किडनी ये डिसाइड कर रही है कि कितना होगा ब्लड का वॉल्यूम, और किडनी ही है जो कि कुछ ऐसे हॉर्मोन बना रही है जो ब्लड को नॉर्मल करेंगे, जो ब्लड को पीएच को नॉर्मल रखेंगे, उसकी रेंज में रखेंगे, फालतू चीजों को बाहर निकाल रहे। और किडनी जो है आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देती है, बढ़ावा देती है, और स्ट्रॉन्ग बोन को बनने में भी मदद करती है किडनी। इतने सारे फंक्शन तो हमारी किडनी के हैं, कितनी काम की किडनी हो रही है। ठीक है, किडनी के बाद रिस्क क्या क्या है किडनी को? हायर रिस्क फॉर फेसिंग लाइफस्टाइल चैलेंजेस की बात करेंगे। सेवरल लाइफ कुछ ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जिसका असर किडनी पर आता है, जैसे कि डायबिटीज। आप देखते हैं अक्सर डायबिटीज के पेशेंट को किडनी में शिकायत होने लगती है एक समय के बाद। फिर हाइपरटेंशन, जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने के लिए किडनी एक हार्मोन बना रही है। ठीक है, मोटापे की वजह से भी किडनी परेशान होती है, हार्ट डिजीज की वजह से भी किडनी को दिक्कत होती है, स्मोकिंग की वजह से भी दिक्कत होती है। अल्कोहल का कंजप्शन करने पर आप देखेंगे किडनी को बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप जो लोग अल्कोहल पीते हैं उन्हें अंदाजा होगा कितनी प्यास लगती है रात में, बहुत ज्यादा, क्योंकि अल्कोहल को बाहर निकालने के लिए लिवर को भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और किडनी को भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पानी ज्यादा चाहिए होता है। और इंसान शराब पी के अक्सर सो जाता है, ड्रिंक करके सो जाता है, तो पानी की कमी, गला सूखा मिलता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी होने लगती है। तो जब आप ज्यादा नमक खाते हैं, ज्यादा शुगर खाते हैं और प्रोसेस फूड खाते हैं, उसका असर भी किडनी पर आता है। और फिजिकल इनएक्टिविटी, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो उसका असर भी होता है। तो कहने का मतलब है कि एक इजियर और एक हेल्थियर लाइफस्टाइल अगर हम चुन लें तो हमारी किडनी की भी सपोर्ट होगी। अब यहाँ पर है, डू यू नो कि किडनी डिजीज हैव बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉजेज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जो मौत हो रही है वो किडनी डिजीज की वजह से होने लगी है, ग्रो कर रही है डिजीज बहुत तेजी से, और 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है, जब किडनी में दिक्कत हो रही है तो 90% लोगों को पता क्यों नहीं है? जाहिर सवाल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज, हम किडनी की बात कर रहे हैं, खराब हो रही है तो उसके सिम्टम क्यों नहीं आ रहे? राइट, उसका सिम्टम क्यों नहीं आ रहा? देखिए किडनी एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा कहा जाता है, 90% डैमेज हो जाएगा तब भी सिम्टम इसका नहीं आता है कई बार, इसलिए लोगों को पता भी नहीं चलता कि किडनी की परेशानी अंदर ही अंदर चल रही है। राइट, साइलेंट किलर, क्या समझ पाए? 90% डैमेज होने तक भी कई बार सिम्टम नहीं आते इसके, 90% किडनी ही डैमेज हो जाए और तब आपको पता चले, बहुत रिस्क। चलिए आज यहाँ पर मैं इस सेशन के एंड में आपको कुछ एक चैनल के बारे में बताएंगे जहां पर आप बहुत सारी वीडियोस पाओगे जिनमें टेस्टिमोनियल्स भी होंगे। राइट, सो जस्ट बने रहिए साथ। तो ये आपने समझ लिया है, थोड़ा सा आगे बढ़। कितने तरह के किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं और वो कैसे वर्स हो जाती है वो दो टाइम, और जिनकी वजह से किडनी फेलियर तक होता है। तो किडनी की वो प्रॉब्लम जिनकी वजह से किडनी फेलियर होता है धीरे धीरे करके, तो जनरल जो प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, एक है एक्यूट किडनी डिजीज, जो हावी स्टार्ट हुई है और कुछ दिन बाद वो सही हो जाएगी। फिर एक किडनी के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, इस पे भी बात करेंगे। फिर है किडनी के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना, बैक्टीरिया चले गए हैं वहां पर और इन्फेक्शन कर रहे हैं। फिर एक क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से, देखिए किडनी जो हेल्थी थी
उसकी क्या हालत हो रही है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस इमेज को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये है हेल्थी किडनी और यहाँ तक आते आते ये हुए अनहेल्थी, दैट इज वेरी बैड सिचुएशन। अब मैं जरा यहाँ किडनी स्टोन्स, आपको ये जो किडनी स्टोन्स दिखाए गए हैं इनकी बात कर लेता हूँ। ये जो किडनी स्टोन्स हैं ये या तो कैल्शियम के बने होंगे या फिर किसी और ऑक्सलेट के बने होंगे, ये जो है आपकी यूरिक एसिड के भी बने हो सकते हैं, है ना। तो ये जो स्टोन्स बनते हैं इन स्टोन का बनने का कारण ये है। सबसे पहला कारण, जब आप पानी कम पियोगे तो पानी कम पीने की वजह से जो यूरिन बनेगा वो हाई एसिडिक बने। हाई एसिडिक यूरिन के एनवायरमेंट में जो यहाँ के मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम है वो यहाँ जम सकता है, यूरिक एसिड है यहाँ पे जम सकता है, और भी कई चीजें होती हैं जो जम जाती हैं, तो उस वजह से फिर यहाँ पे एक पत्थर का निर्माण होने लगता है। तो कैल्शियम का है तो कैल्शियम ही जम रहा होगा, यूरिक एसिड है तो यूरिक एसिड वहां पर जम रहा होगा, इसी तरह से कई और चीजें भी जमती हैं जिनके पत्थर बन रहे होते हैं। लेकिन अगर आप पानी सही से पीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप पानी सही से पीते हैं तो यूरिन का जो जो पीएच होता है वो लेस एसिडिक हो जाता है। देखिए यूरिन एसिडिक ही है ना, पर वो जब ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो पत्थर बनने लगेगा, और जब वो यूरिन जो है आपका लेस एसिडिक हो जाए वो कब होगा, जब आप पानी सही से पियो। तो जब आप पानी सही से पीते हैं तो उस कंडीशन में यूरिन लेस एसिडिक होता है और पत्थर का फॉर्मेशन कम हो जाता है। तो जितने भी लोग हैं जो पानी सही से नहीं पीते, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पानी अच्छे से पीजिए, और पानी आपका एल्कलाइन होगा तो आप खुद बताइए अगर हम एल्कलाइन पानी पी रहे हैं तो क्या यहाँ पर जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो भी लेस एसिडिक होगा कि नहीं। यस, उसके चांसेस हैं कि वो और लेस एसिडिक रहेगा यहाँ पर, जिस वजह से यूरिन के अंदर जो स्टोन्स हैं उनमें भी आपको देखने को मिलता है कुछ रिलीफ, राइट। तो जो आपका प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं एल्कलाइन पिचर, वो यहाँ पर भी आपकी मदद कर सकता है। अब दूसरी बात, जब आपका यूरिन हाईली एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक यूरिन होने का कारण क्या बताया मैंने, जब आप पानी कम पीते हो। यस, जब आप पानी कम पीते हो तो वो किसका कारण बनता है, हाई एसिडिक। और जब हम एसिडिक पानी पी रहे हैं ऑलरेडी, सोच के देखिए हम पानी ही एसिडिक पी रहे हैं, जो आरओ का पानी है वो एसिडिक, ठीक है, उस वजह से दिक्कत। फिर जब पानी एसिडिक है तो उस वो जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, ये बैक्टीरिया होता है ई कोलाई जो वॉशरूम में पाया जाता है अक्सर, ये एंटर कर जाता है यूथ्रा के थ्रू। जब भी आप देखेंगे पब्लिक टॉयलेट जब आप अक्सर यूज करते हो तो वहां से यूरिन का इन्फेक्शन तक आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है, एक तो बैक्टीरिया गया, दूसरा हमने पानी कम पिया, तो एसिडिक इन्वायरमेंट जो था उसने बैक्टीरिया को वहां सपोर्ट किया। ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है जिसकी वजह से 90% यूरिन का इन्फेक्शन होता है, उसको मिलती है सपोर्ट किसकी वजह से, यूरिन के इन्वायरमेंट की वजह से। तो पानी अच्छे से पीना बहुत जरूरी होता है, ठीक है जी। चलिए, अगर किडनी की हेल्थ खराब हो जाए तो किडनी वेस्ट मेटल को बाहर नहीं निकाल पाती, और किडनी अगर वेस्ट मेटल को बाहर नहीं निकाल पाएगी तो आपको क्या दिखेगा, पैरों में स्वेलिंग, पेट में स्वेलिंग, पफी आईज, ये सब दिखने लगेगा। तो वेल किडनी रीजन की बात करेंगे, मेंटेन किडनी हेल्थ, रिड्यूस स्टोन फॉर्मेशन एंड प्रमोट सेल रिजनरेशन करता है। क्या करता है, प्रमोट सेल रिजनरेशन ये कर रहा होगा, ठीक है। तो किडनी की जो सेल्स है वो दोबारा बनने लगेंगे। इसके अंदर क्या क्या है, दारू हल्दी एक नाम की जड़ी बूटी है इसके अंदर, फिर पुनर्नवा है, गोकरु जिसको गोक्षुरा कहते हैं, मंजिष्ठा है, ये चार पांच चीजें ऐसी डाली गई हैं जो किडनी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं, प्रूवन है। तो किडनी सेल रिजनरेशन फॉर ऑप्टिमल रीनल हेल्थ, ठीक है। तो किडनी के जो सेल्स हैं वो नए बनेंगे यहाँ पर। तो होगा क्या कि जब हम इस प्रोडक्ट का सेवन करते हैं किडनी के सेल्स नए बनने लगे, और किडनी जो यूरिन बनाने का काम कर रही है तो उसमें मदद मिलेगी यूरिन के प्रोडक्शन में। रिड्यूस किडनी स्टोन फॉर्मेशन, जो किडनी के स्टोन का फॉर्मेशन है जो पत्थर बन रहा है वो कम हो जाएगा, और पत्थर की वजह से भी कई बार किडनी में सूजन हो जाती है, और उस सूजन की वजह से दर्द होता है, वो सूजन फिर नीचे तक ट्रांसफर होती है जिसकी वजह से बर्निंग मिक्चुरिशन मतलब जलन के साथ वॉशरूम जाना भी स्टार्ट हो जाता है, और जब सूजन होती है तो बैक्टीरिया के लिए प्रवेश करना भी आसान हो जाता है। तो ये डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा प्रोडक्ट बॉडी को कि जो टॉक्सिन्स है वो इजिली बाहर निकल जाए, फिर पीएच का जो लेवल्स है वो इजिली काम करे, पीएच का जो लेवल है बॉडी में मेंटेन होना चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर कुछ हैं जो आपकी मदद करते हैं, ये हो गया आपका वेल रीजन। तो यहाँ पर क्या क्या पावरफुल इंग्रेडिएंट हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत काम की चीज है आपकी। वेल किडनी रीजन के अंदर क्या क्या है ना, दारू हल्दी कहते हैं इसको, है ना, बेरबेरी रिस्टाटा एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, काशमाल भी कहते हैं, ये जो है किडनी के स्टोन्स के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, स्टोन को बनने से रोकती है और यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाती है। यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप पानी अच्छे से पियोगे तो यूरिन एल्कलाइन भी होने लगेगा जिसकी वजह से स्टोन का फॉर्मेशन कम होगा। फिर इसमें पुनर्नवा है,
ना। और इसको ये क्या काम करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेलुलर डैमेज, जो किडनी के अंदर जो डैमेजेस हो रहा है उसको उससे बचाएगा। एनहांस यूरिन प्रोडक्शन, तो इससे क्या यूरिन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। फिर गोखरू या गोक्षुरा और ट्रिबुलस टेरेस्टेरिस एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, आप गोखरू या गोक्षुरा याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो नाम, देखिए एक चीज के तीन चार नाम है, आपको जो एक नाम पसंद आता है याद कर लीजिए उतना बहुत। तो फ्लश आउट स्टोन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लामेशन, जो सूजन आती है, जो दर्द होता है उसमें भी मदद करता है। फिर इसमें है रूबिया, कॉर्डिफोलिया एक्सट्रैक्ट, मंजिस्टा और मंजीत, रिड्यूस इन्फ्लामेशन और मैनेजेस डिस्कम्फर्ट, ये डिस्कम्फर्ट से आपको बचाता है। कौन सा डिस्कम्फर्ट है, बार बार जलन होना, ठीक। फिर इसमें आप देखते हैं डेंडलियन एक्सट्रैक्ट है, जिसको हम कहते हैं दुधली, ये प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज से। ऑक्सीडेटिव डैमेज का मतलब है फ्री रेडिकल डैमेज। फ्लश आउट एक्सेस साल्ट, जो शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में नमक इकट्ठा हो रहा है उसको बाहर निकाल। फ्लैक्स सीड इसके अंदर भी है, जो कि पीएच यूरिन का जो होता है उसको मेंटेन करती है, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स को कम कर देती है, कि फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स आपका कम हो जाए। तो आप देखेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स को कम करने के लिए कई चीजें हो जाती हैं। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं इसके अंदर जो स्टोन फॉर्मेशन को कम करती हैं, एक इसके अंदर लिखा हुआ स्टोन फॉर्मेशन के बारे में, सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर भी स्टोन फॉर्मेशन की बात की गई है कंटेंट के अंदर, और यहाँ ये ट्रिबुलस गोक्षुरा ये भी स्टोन फॉर्मेशन को कम कर रहा है, ठीक है। फिर आप देखते हैं 7वें नंबर पे, इसमें पाइपर लोंगम एक्सट्रैक्ट है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम किडनी स्टोन डिस्कम्फर्ट। तो किडनी स्टोन डिस्कम्फर्ट का मतलब है सूजन और दर्द, इन दोनों से ये राहत देने का काम करता है। तो ये किडनी के जो आपके ऐसे लोग हैं जिनको किडनी से रिलेटेड समस्या है, उनके लिए आप उसको बता सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इस स्लाइड की बात कर लेते हैं, इस पर क्या लिखा है। यहाँ पर आप नजर डालें तो ये जो प्रोडक्ट है वेल डिजन किडनी, इसके कौन कौन पोटेंशियल यूजर्स हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, हेल्थ कॉन्शियस पीपल, पीपल विद पूरी डाइटिक हैबिट, जो बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जिनका डाइट में नमक बहुत ज्यादा है, अल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहे हैं, पीपल विद जेनेटिक हिस्ट्री, जिनके मम्मी दादा पा या किसी को ऑलरेडी रही है शिकायत किडनी में, तो वो ले सकते हैं। हैवी ड्रिंकर्स, ताकि अल्कोहल आराम से बाहर निकल पाए बॉडी से। एजिंग पीपल, और ऐसे लोग जिनको डायबिटीज की वजह से भी किडनी की समस्या हुई, वो भी इसको सेवन में ले सकते। पीपल विद लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, किसी को भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है तो वो भी इसको ले सकते। एमआरपी की बात करेंगे तो सेम है, 1550 रुपए, डीबी प्राइस 1292, बिजनेस वॉल्यूम 60%, और बिजनेस वैल्यू की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 775 रुपए, 28.70, इसके अंदर भी आपको पीवी मिल जाता है 60% के साथ में, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। और दिन में एक बार लेना है खाना खाने के बाद,